आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आधार कार्ड में एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है। आप 50 रुपीज पे करके अपना आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड बनाने का 10 साल अगर हो गया है तो आप फ्री में ही करेक्शन कर सकते हैं। आपका एड्रेस करेक्शन में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद आपको इस पेज पे आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके बाद यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पूरा पेज खुल के आ जाएगा। यहीं से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं आधार या PVC आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। आप यहीं से करेक्शन कर सकते हैं नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस में। चलिए मुझे एड्रेस में करेक्शन करना है तो हम इसके ऊपर टिक करेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे अपडेट आधार ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज कर लेंगे आपको क्या चीज़ अपडेट करना है। जैसे कि मुझे एड्रेस करना है तो हम यहाँ एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पूरा करंट एड्रेस आ जाएगा जो अभी है। उसके बाद यहाँ अपना पूरा नया एड्रेस फिल करेंगे जिसमें आप जो करेक्शन करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अपना पूरा यहाँ चूज कर लिया है। उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए हम यहाँ आएंगे। पहले सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप कर लेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ से चूज कर लेंगे। हम अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, अब मुझे अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर में भी रखा हुआ है उसमें से सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। जैसे कि मेरा ये है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। तो मेरा देखिए यहाँ 100% अपलोड हो गया है। यहाँ अपलोड होकर के आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एक बार इसका प्रीव्यू देख लेंगे, आपको सब कुछ अगर ठीक ठाक लग रहा है तो इन दोनों को टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ 50 रुपीज अमाउंट कटवाना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ टिक करेंगे और यहाँ रेजर पे से या PVC कराना चाहते हैं आप कटवा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पेमेंट पे आ जाएगा। आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी चाहे करा सकते हैं। हम अपना UPI से कटाएंगे, तो यहाँ UPI सेलेक्ट करेंगे हम। उसके बाद फोन पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ फोन पे का UPI ID डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरा देखिए यहाँ वेरीफाइड लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका फोन पे ऐप में एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और पेमेंट करेंगे तो यहाँ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए पहले हम पेमेंट कर लेते हैं। मेरा फोन पे में नोटिफिकेशन आ गया है। देखिए जैसे कि हमने फोन पे से पेमेंट कर दिया है, यहाँ भी मुझे रिडायरेक्ट कर दिया है। और देखिए जैसे कि यहाँ देखिए सक्सेसफुल आ गया है। यहाँ एक डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट भी क्लिक करके हम अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से भी देखिए सक्सेस लिखा हुआ आ गया है। इस तरह का आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। आप प्रिंट करके इसको कस्टमर को दे देंगे। अगर आपका खुद का है तो आप अपना खुद में रख लेंगे। ये आपका पुराना एड्रेस हो गया या एग्जिस्टिंग, और यहाँ करेक्शन या चेंज एड्रेस ये अभी हो गया आपका। उसके बाद आपको अगर कभी भी अपना स्टेटस ट्रैक करना है तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे हम आएंगे, इसी ऐप में आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ ग्राफ बनकर सेव होकर के रहेगा। स्टेटस में अभी देखिए वेरिफिकेशन स्टेज पे है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें काम यहाँ दिखाएगा। अगर आपका 10 साल पुराना आधार कार्ड है उसका अगर आप एड्रेस अपडेट कराते हैं तो आपको देखिए 14/6/2023 से पहले अगर करा लेते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पे जमा नहीं करना होगा। आप फ्री में ही अपना एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आधार कार्ड में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका 10 साल हो गया है तो आपको चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका 10 साल नहीं हुआ है तो आपको 50 रुपया चार्ज दे करके अपना करेक्शन कर लेना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।